उनके लिए जो नए आए हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आप याद रखें कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, एक मालिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक मालिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर एनर्जी डालेंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके तेजी से रोटेट करना शुरू कर देगा। एक मालिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहा है, आप उसको एनर्जी देंगे वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, वहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जबकि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें स्कैटरिंग होती है लाइट की। सपोज आपके पास ये कोई मालिक्यूल है, इस मालिक्यूल के ऊपर जो लाइट आके पड़ती है, इस मालिक्यूल के ऊपर जो लाइट आके पड़ेगी, सपोज इस मालिक्यूल के ऊपर कुछ लाइट आके पड़ती है और ये जो लाइट इस मालिक्यूल के ऊपर आके पड़ी है, सपोज इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है या इसकी एनर्जी ई है, इसकी एनर्जी ई है या ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसकी एनर्जी ये। अगर जो इसकी एनर्जी है अगर ये इसी एनर्जी से स्कैटर हो जाए, जितनी इसकी एनर्जी है टकराने के बाद भी इसी एनर्जी से स्कैटर हो जाए, एनर्जी ई से, इसे हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग, दिस इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। याद रखें जिस एनर्जी से ये टकराया है उसी एनर्जी से डिस्पर्स हो जाए, इट इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। और लेकिन अगर मॉलिक्यूल जो है जिस एनर्जी से टकराया है उसी एनर्जी से डिस्पर्स ना हो बल्कि उससे या ज्यादा एनर्जी से डिस्पर्स हो, एनर्जी E1 से डिस्पर्स हो, E1 जो है वो स्मॉलर है इस E से, या फिर E2 से डिस्पर्स हो जो कि ग्रेटर है इस E से, जो एनर्जी हमने यहाँ दी है टकराने के बाद अगर ये एनर्जी स्कैटर हो जाए, एनर्जी स्कैटर हो, कम एनर्जी जिससे पड़ी थी इसे बोलते हैं, या ज्यादा हो इसे कहते हैं रेमन स्कैटरिंग, तो रेले स्कैटरिंग है। अगर इंसिडेंट लाइट टकराने के बाद लाइट की एनर्जी में कोई फर्क ना पड़े, ये रेले स्कैटरिंग है। अगर टकराने के बाद इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए इसे कहते हैं रेमन स्कैटरिंग, अगर कम हो जाए एनर्जी इंसिडेंट लाइट की इसे कहते हैं स्टोक्स लाइन, और अगर ज्यादा हो जाए इसे कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन इसे कहते हैं। यानी अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी टकराने के बाद ज्यादा हो जाए इसे कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, और ये भी रेमन स्कैटरिंग, और अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी टकराने के बाद कम हो जाए इसे कहते हैं स्टोक्स लाइन, और ये भी रेमन स्कैटरिंग है। चाहे एनर्जी ज्यादा हो चाहे कम हो ये रेमन स्कैटरिंग है। जबकि अगर एनर्जी सेम रहे जो पहले जिस एनर्जी से वो आया है उसी से ये वो इसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लाइट आ रही है मॉलिक्यूल से टकराने के बाद, जाहिर है वो एनर्जी लूज करेगी, टकराने के बाद अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगी, तो उसकी एनर्जी ज्यादा कैसे हो सकती है? देखें सपोज एक मॉलिक्यूल जो है, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल सपोज H2 का एक मॉलिक्यूल है, HH का, ये H2 का मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, अगर आहिस्ता रोटेट कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तेजी से रोटेट कर रहा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और तेजी से रोटेट कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। अगर इंसिडेंट लाइट इस मॉलिक्यूल के ऊपर पड़े और ये मॉलिक्यूल पहले बहुत तेजी से रोटेट कर रहा था लेकिन इसके टकराने के बाद इस मॉलिक्यूल की रोटेशन कम हो गई, इसने अपनी एनर्जी रिलीज की, वो एनर्जी इसके अंदर शामिल हो गई, तो हम कहेंगे अब ये जो लाइट पहले आ रही थी जिसकी एनर्जी कम थी, इस तेजी से होती हुई रोटेशन ने अपनी एनर्जी इसको कुछ प्रोवाइड कर दी, जैसे इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा हो गई है, जिसे हम कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। समझ आ गई? ये रफशा आप अपनी माइक म्यूट करें, म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट करें ऐसे। हाँ ये ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो किसी मॉलिक्यूल से वहां कोलाइड करे
और कोलाइड करने के बाद उस मॉलिक्यूल की एनर्जी, जो इंसिडेंट लाइट उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं बता रहा हूँ, अगर मॉलिक्यूल जो यहाँ रोटेट कर रहे हैं उसकी रोटेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो टकराने वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, जिस केस में इस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एनर्जी कम हो जाए इंसिडेंट लाइट की? वो इस तरह हो सकता है, अगर एक लाइट जिसकी एनर्जी एच न्यू है वो इस मॉलिक्यूल पे पड़ती है और ये मॉलिक्यूल जो है तेजी से रोटेट करना शुरू कर देता है, एनर्जी का कुछ हिस्सा इस मॉलिक्यूल को मिल जाता है, तेजी से रोटेट करना शुरू कर देता है, तो हम कहते हैं इसकी एनर्जी कम हुई। और जब ये अब डिस्पर्स होगा या स्कैटर होगा, कम एनर्जी स्कैटर होगा, इसे कहते हैं लॉस लाइट। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है स्कैटर होने के बाद भी वो एनर्जी होगी, उसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। मैं आप लोगों को बता रहा था उस दिन कि 90% या 99% चांसेस जो है ना, बल्कि क्या कहा था, कितने कितने में से कितने मॉलिक्यूल, 1,00,000 में से, मिलियन, 1,000,000 में से, 1,000,000 में से, यानी अगर 1,000,000 आप 1,000,000 फोटोन डालते हैं एक सैंपल पे, 1,000,000 फोटोन डालते हैं किसी सैंपल पे, अगर 1,000,000 फोटोन डालते हैं, 1,000,000 में से एक फोटोन ऐसा होगा जो कम एनर्जी या ज्यादा एनर्जी से स्कैटर करेगा, बाकी सारे फोटोन उसी एनर्जी से स्कैटर करेंगे जिस एनर्जी से वो आ रहे हैं, इन रेले स्कैटरिंग शो करेंगे। रैमन स्कैटरिंग 1,000,000 में सिर्फ एक मॉलिक्यूल शो करता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल रेले स्कैटरिंग शो करता है 1,000,000 मॉलिक्यूलों में से, रैमन स्कैटरिंग शो करता है। एक और बात, इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन की एक टाइप है जिसमें एनर्जी चेंज नहीं हुई, रेले स्कैटरिंग, और इन इलास्टिक कोलिजन है जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है, इन इलास्टिक कोलिजन, रैमन स्कैटरिंग एक इन इलास्टिक कोलिजन की मिसाल है। अगर यहाँ पे पड़ा हुआ मॉलिक्यूल चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज रखता हो, इसे बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ एक और बात मैं आप लोगों को बता रहा था उस दिन, मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेट्स हैव अ लुक। ये देखिएगा, ये क्वांटम थ्योरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वांटम थ्योरी देखें जरा इसकी, रेले स्कैटरिंग जो है या रैमन स्कैटरिंग या ये जो रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें दो थ्योरी जो है वो इस्तेमाल होती है, एक क्लासिकल थ्योरी है और एक क्वांटम थ्योरी है। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वांटम थ्योरी जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, क्वांटम थ्योरी डिस्कस करने लगा हूँ। सपोज आपके पास ये किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल है, आपके पास, मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूँ, ये किसी मॉलिक्यूल के हैं आपके पास। सपोज कोई मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे इधर मौजूद है, ये कोई मॉलिक्यूल मौजूद है, ये कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई लाइट पड़ती है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई लाइट जो है वो पड़ी, और इस मॉलिक्यूल, इस लाइट की जो एनर्जी है वो एच न्यू है, और क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एनर्जी एच न्यू एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है, जब ऊपर जाता है वहां से एच न्यू एनर्जी रिलीज करता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, इतनी एनर्जी सर काइंडली ये माइक माइक म्यूट करवा दें काइंडली सर जी, काइंडली सर ये माइक मेरे ख्याल में कुछ दरमियान में बोल रहे हैं, म्यूट करवा दें प्लीज। अमरीन आप जरा अपना माइक म्यूट कर दें। कोई मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एनर्जी एच न्यू पड़ी है, इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी एच न्यू अब्सॉर्ब किया और ऊपर चला गया, और अब ग्राउंड स्टेट में वापस आकर वही एनर्जी एमिट की है, इसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग।
ये जो आपके पास है ये रेले स्कैटरिंग की एक टाइप है, अब देखें सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है इधर और इसके ऊपर एनर्जी जो है वो एच न्यू पड़ी है, एनर्जी एच न्यू इस मॉलिक्यूल पे पड़ी है और मॉलिक्यूल ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, इधर आ गया है, लेकिन फिर ये मॉलिक्यूल वापस आता है तो दोबारा उसी लेवल में नहीं आता बल्कि उससे ऊपर वाले लेवल में आता है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उससे कम एनर्जी रिलीज की उसने, अब जो उसने एनर्जी रिलीज की है वो एच न्यू डैश है या ई डैश है, एच न्यू डैश क्योंकि एच तो कॉन्स्टेंट है, जो भी एनर्जी में कोई चेंज आएगी वो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से आएगी, याद रखें इधर फ्रीक्वेंसी न्यू है यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, तो ये आपके पास जो है ये रैमन स्कैटरिंग की स्टोक्स लाइन है, जो एनर्जी यहाँ पे स्कैटर होकर जा रही है वो कम एनर्जी की है, दूसरा केस है, इसको हम रैमन स्कैटरिंग या स्टोक्स लाइन कहते हैं, ये स्टोक्स लाइन के एग्जाम्पल है, स्टोक्स लाइन। अब अगर आपके पास सपोज एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ मौजूद है इधर और उसके ऊपर कोई एनर्जी जो है वो पड़ती है एच न्यू, मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी एच न्यू पड़ी जो यहाँ भी एच न्यू पड़ी थी यहाँ भी और ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल वापस आता है वो ग्राउंड स्टेट में आता है, उसने एनर्जी जो अब्सॉर्ब की है वो एच न्यू की है, लेकिन अब उसने जो एनर्जी रिलीज की है वो एच न्यू डबल डैश है, जितनी उसने अब्सॉर्ब की उससे ज्यादा रिलीज की है, ये आपके पास है जी एंटी स्टोक्स लाइन, ई डबल डैश या ई डबल लाइन, ये आपके पास है एंटी स्टोक्स लाइन। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मॉलिक्यूल यहाँ पे हो, तो जैसे मैंने कहा है मॉलिक्यूल जो अगर उसकी रोटेशन है या वाइब्रेशन है वो तेजी से रोटेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल में होगा, यहाँ ये मॉलिक्यूल कम एनर्जी लेवल में मौजूद थे, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ ले मुझसे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ ले। सर इसमें जस्ट ये मॉलिक्यूल को डील करते हैं या जी इसमें ये सारे मॉलिक्यूल ही डील करते हैं या आगे कोई प्रोटॉन वगैरह या पर यहाँ पे जो जिसने लाइट एब्जॉर्ब की है ये सिर्फ मॉलिक्यूल ही हो सकते हैं? देखिए याद रखें चार्ज पार्टिकल कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका तल्लुक है सिर्फ रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ये बात ये उसी की एक तरह की टाइप है, ऐसे ये मॉलिक्यूलों की रोटेशन और वाइब्रेशन को डील करती है। एक बात तो ये आ गई, अब मैं कहता हूँ ना जब मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है इधर तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल तेजी से रोटेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, जब मैं कहता हूँ मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है इसका मतलब मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ये तो मैंने इधर की लेवल बनाए हैं, ये मॉलिक्यूलों की रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो ये रेले स्कैटरिंग होगी, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन। रेले स्कैटरिंग के बारे में 10 लाख में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो स्टोक्स लाइन या एंटी स्टोक्स लाइन शो करता है, बाकी सारे मॉलिक्यूल यही करते हैं, रेले स्कैटरिंग शो करते हैं। ये क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी 1900 में आई थी, 1900 से पहले जो भी थ्योरी इसकी आती रही है वो सारी की सारी क्लासिकल थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी से पहले, क्वांटम थ्योरी से पहले जो भी थ्योरीज आती थी वो क्लासिकल कहते हैं। और मजे की बात ये है जो रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बाद में आने वाली क्वांटम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, आप लोगों को समझाने के लिए क्लासिकल थ्योरी का सहारा लिया जाता है, और क्लासिकल थ्योरी क्या है उसके बारे में अभी हम जो है वो देखेंगे। यहाँ पे एक जो है वो चूंकि अभी ये क्वांटम थ्योरी का हिस्सा है, क्लासिकल थ्योरी इसके बाद में आती है, अगर आपको इस बात की समझ आ गई तो मैं आगे चलूं। सर ये जो काय का कलर होता है ये रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है या ये टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, मतलब जो स्काई का आसमान का कलर? उसमें काफी सारी थ्योरीज हैं कि स्काई का कलर इस तरह क्यों होता है, वो रेले स्कैटरिंग आमतौर पर उसके रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, लेकिन उसके पीछे और भी इतनी मतलब इट्स नॉट क्वाइट सिंपल।
सर माइनर में हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, फिजिकल माइनर में। जी फिजिकल माइनर में हमने, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये इतना सिंपल नहीं है, इसको आप जो है वो इतना आसानी से इससे रिलेट नहीं कर सकते। सही हो। अब यहाँ आप लोग देखें, सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, मैं जरा बॉन्ड बड़ा बनाता हूँ, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है HH, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आप लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मॉलिक्यूल को आप इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव पोल है, इस साइड पे नेगेटिव पोल, तो जाहिर है ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं पॉजिटिव पोल इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इस हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये चूंकि नेगेटिव पोल है इसने इन इलेक्ट्रॉनों को तो रिपेल कर दिया है, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं और पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया है, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पोल बन, इसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, इस चीज को पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, ये पोलराइजेबिलिटी है। तो ये एक मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये लाइट नहीं डाल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉलिक्यूल को रखा है। अब यही मॉलिक्यूल जो है, अगर इसी मॉलिक्यूल को हम इसमें, ये तो पैरेलल रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, परपेंडिकुलर रख दें, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, परपेंडिकुलर रखने से भी क्या ऐसे ही पोल बनेंगे, तो याद रखे नहीं। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कैसे खींच सकता है, मैंने जरा बना दिए हैं साइड करके, यहाँ आपके पास ये हाइड्रोजन है, फिर ये बॉन्ड है, फिर ये हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव पोल ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लिया था, यहाँ जो ये जो पॉजिटिव पोल है, क्या यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ही अट्रैक्ट करेगा ये दो इलेक्ट्रॉन, तो याद रखें नहीं। अभी कैसे हो सकता है कि ये बॉन्ड ऐसे जो है वो बॉन्ड एक ट्विस्ट हो जाए, तो जो पोलराइजेबिलिटी है वो पैरेलल मॉलिक्यूल में होती है, परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। पैरेलल मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी होती है, परपेंडिकुलर में पोलराइजेबिलिटी नहीं होती, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप लोग याद रख लें कि ये जो तरीका है इसको पोलराइजेबिलिटी एलिप्साइड जो है, ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज पोलराइजेबिलिटी इलेप्साइड जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कीप इन माइंड, पोलराइजेबिलिटी इलेप्साइड जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है माइनर एक्सिस, ये छोटा एक्सिस है, ये पैरेलल को शो करता है। बताएं ये छोटा एक्सिस ज्यादा पोलराइजेबिलिटी को शो करेगा या कम पोलराइजेबिलिटी को, पैरेलल वाला ज्यादा, पैरेलल वाला, ये पैरेलल को शो करता है ना, हां ज्यादा करेगा, ज्यादा मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी को शो करेगा। और ये परपेंडिकुलर, ये वाला जो है परपेंडिकुलर जो है, क्योंकि यहाँ जब ऐसे बॉन्ड इस तरह होता है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता ऐसे, ये कैसे अट्रैक्ट करेगा, कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये बॉन्ड जो इस तरह था वो ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई से दूर हट जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने रहना तो न्यूक्लियाई के दरमियान ही होता है ना, इस केस में तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों दूर हट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखें जो परपेंडिकुलर है, जिसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये लेस पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, यहाँ पोल बनने के चांसेस ज्यादा है, इधर पोल बनने के चांसेस कम है, यहाँ पोल बनने के चांसेस ज्यादा है, इधर पोल बनने के चांसेस कम है। जरा इस बात को आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं,
लिखा हुआ है, यही जो बात मैंने आपको बताई है, मैथमेटिकली ये कैसे डील करता है वो बाद में लिखे। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम इसको देख लेते हैं, किस में पोलराइजेबिलिटी के चांसेस कितने ज्यादा हैं और कितने कम। बल्कि इसको हम कल देखेंगे, आज इतना काफी है। बुक में से इसको ग्रेस्प करने की कोशिश करें, बुक में से इसको पढ़ने की कोशिश करें। बुक नहीं है तो फिर वो कौन सी बैनवल वाली, बैनवल वाली बुक में से पढ़ने की कोशिश करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।